मंदिर कहाँ चले आ रहे हो? तुम्हें वहाँ पर रोका गया था ना भाई साहब, फिर तो मंदिर कैसे चले आए? इसी घर की हूँ। इसी घर की हूँ मतलब? मैं अपनी नानी माँ से मिलने आया। चलो साइड में लगाओ गाड़ी, साइड में लगाओ। हाँ यही रखो भाई साहब। ये जो लड़की है ना, हाँ बोलो, इसी घर की बेटी है। शारदा जी जो है ना, उनकी नाते नहीं है। अरे तुम्हारी बातों को कौन मानेगा? मैं चेन्नई से आई हूँ, शारदा देवी की नातिन हूँ। अच्छा, उनसे मिलना है इसीलिए आई हूँ। ठीक है, मैं पूछ कर आता हूँ। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, इस तरह जबरदस्ती एंट्री नहीं करनी चाहिए। तुम यही रुको। ठीक है, जाओ ना। तुम इन पर नजर रखना, मैं पूछ कर आता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, एक लड़का और एक लड़की आया है, और लड़की कह रही है कि वो शारदा मैम साहब की नातिन है। आप इजाजत दे तो मैं उन्हें अंदर लेकर पूछ लेता हूँ। ओके सर, एक्सक्यूज मी। अरे यहाँ तो शादी का माहौल लग रहा है। अच्छा ठीक है, मैंने तुम दोनों को वहीं रुकने के लिए कहा था ना। से कुछ कहो ना, मैं कह रही थी कि बाहर अंदर कैसे चले तुम लोग? अब अंदर आ चुके हैं ना, छोड़ो ना। मैं पूछ रहा हूँ, तुम लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? चलो निकलो यहाँ से, चलो बाहर निकलो यहाँ से। उन्हें आने दो। बिल्कुल अपनी जानकी की अब शक्ल है ना। आ जाओ बेटा। हाँ जी, तुम वहीं रहो, मैं आ रहा हूँ, मैं आके देखता हूँ। शिवा, आते हुए तो मैं बहुत घबराई हुई थी, ऐसी स्वागत की तो उम्मीद ही नहीं थी। सब मुझे देख के बहुत खुश है, पता नहीं तुम्हारा एहसान मैं कैसे चुकाऊं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, लो इसे संभालो। ओह, तो अब? अभी तो चारू। हाँ? बड़ी माँ बुला रही है। हाँ चलो शिवा, यही रुकना, मैं अभी आती हूँ। राज, यहाँ आओ ना। हेलो। हेलो शिवा, कहाँ है तू? रोड पे। और चारू? वो अपने घर। क्या हुआ रे? अपनी ड्यूटी खत्म, ड्रामा फिनिश। हमने पता ढूंढ लिया, उसे जहाँ पहुँचाना था पहुँचा दिया। शिवा, तूने उसे बताया और उसने क्या कहा? कहा ना कि थैंक्स फॉर एवरीथिंग। और कुछ नहीं कहा उसने? वो और क्या कहती, बस यही कहा। उसे वहां देख सब लोग खुश हो गए, उसे पांव जमीन पर रखने नहीं दे रहे। मैं कहां पहुंच गया मैं खुद नहीं जानता। मुझे लगा मेरा काम खत्म हो गया है, इसलिए मैं लौट रहा हूं। बैंगलोर से मुंबई तक आ गया मैं, उस फासले का पता ही नहीं चला। लेकिन उसे घर छोड़कर सड़क तक आया हूं तो यह फासला बहुत ज्यादा लग रहा है प्रिया।
मुझे रोना आ रहा है प्रिया। शिवा, जैसा तू समझ रहा है वैसा कुछ नहीं होगा, तो हिम्मत मत हारना। आनंद पता नहीं ये क्या क्या कह रहा है, तू ही समझाना। ए शिवा, मैं आनंद बोल रहा हूँ, क्या हुआ यार? ए, मैं ट्रैफिक में हूँ यार, बाद में बात करता हूँ। गए नहीं? अच्छा, मुंबई में साइट सीइंग कर रहे हो, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? या फिर मैं अपने अंकल से बात करके कुछ मदद करवाऊं? शॉपिंग करने आई हूँ, सब लोग ऊपर ही हैं, मुझे जबरदस्ती पकड़ कर लाए, पूछ रहे थे मुझे क्या पसंद है, क्या चाहिए, मेरा तो दम घुट रहा था। तुमने तो वही देखा था ना, किस तरह मुझे सर आंखों पर रखा हुआ था, वो सब लोग मुझे ये ले लो बोल रहे थे, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ नीचे आकर खड़ी हो गई। नाइस कार, यू नो, जरा भी जोक नहीं है। रियली? खरीदने जाओ तो वेस्टेज मेकिंग चार्ज कह के निचोड़ लेते हैं, और बेचने जाओ तो कुछ नहीं देते। हाँ। तुम्हारी चूड़ियों का इतना ही पैसा मिला देते। चाचा जी, ये आप रख लीजिए, आपके लिए। हाँ? है, मेरी लाइफ तो सेट हो चुकी है ना, ये वॉचमैन का काम करते हैं, मैंने सोचा मेरी चूड़ियाँ पुरानी हो गई है तो मैंने इन्हें दे दी, तो उन्हें बेच कर मुझे ही पैसे लौटा रहे हैं। ये क्या कह रही हो? कह रही थी ट्रेन के भाड़े के लिए पैसे नहीं है, इसलिए ये चूड़ियाँ बिकवा दो। तुम्हारा पैसा मैं क्यों रखूँ? लो पकड़ो, आराम की रोटी हमको हजम नहीं होती। हाँ। अब कहाँ से आ गया ये प्यार, जो उसे सर पे बिठा के खुशियाँ मना रहे हैं। बच्चलन की बेटी बच्चलन ही निकलेगी, हमारे मुँह पे काली पोत के चली गई थी सीमा, वो आप भूल सकती है लेकिन मैं नहीं। आज मेरी बेटी की शादी है, उसे छोड़ के मैं इसका बोझ उठाऊं? मेरे बीवी बच्चों की खुशियां और सुख चैन छीनने के लिए ही आई है, आपको शर्म आनी चाहिए माँ। इसकी माँ हम सबको ठोकर मार के चली गई थी, और आज ये अपने बाप की तय की गई शादी को ठोकर मार के यहाँ आई है, हमारी बद्दुआ ने इसे यहाँ लाकर खड़ा किया है। मेरी बात सुनो बेटे, ऐसे मत चिल्लाओ, कहीं वो बेचारी सुन ना ले। सुनने दो, उसे सुनाने के लिए सब कह रहा हूँ, इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है, और उसके लिए अगर आप कुछ करना चाहती है तो घर से बाहर ले जाकर कीजिए, और अगर आपके लिए वही प्यारी है तो हमें छोड़ दीजिए, हम निकल जाते हैं, आप लोग ही फैसला कीजिए। उस घर से मुझे निकाल दिया गया, मामा जी को मैं पसंद नहीं, वो माँ के बारे में बुरा भला कह रहे थे, इसलिए मैं भी वहां रहना नहीं चाहती, इसलिए मैं बाहर आ गई। माँ कहा करती थी नाना जी के नाम पर मुंबई में सड़क है, लेकिन यहां आकर मैं सड़क पर आ जाऊंगी कभी सोचा नहीं था। तुम अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे यहां तक लाए, तुम्हें ये सब पता ना चले इसलिए मैं झूठ कह रही थी, लेकिन उस अंकल ने तो मेरा भांडा ही फोड़ दिया। उस दिन मेरे मुंह से खून निकला था ना साले, 6 महीने तक जेल का सड़ा हुआ खाना खिलाया तूने। शिवा!
मेरा दुश्मन है, मेरा शिकार है, तेरा इसे कोई लेना देना नहीं है। तुझे लड़की चाहिए थी ना, तो ले जा, 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 जा ना। साले। गड्डी धीरे से चला ताकि उसने मार खाता देख सको।
फिर कभी कोई मेरे या इस लड़की के पीछे आया? चलो देखता हूं कौन रोकता है हमें। अब कोई नहीं आएगा, अब घबराओ मत, मैं निपट लूंगा। क्या हुआ शिवा? उधर देखो। देखो मैंने कहा था ना। हाय शिवा, कैसा आ रहे तू? हाय यार। ए, तूने कहा ही नहीं कि तू चारू के साथ आ रहा है? हमारे नाक में दम कर दिया था, एकदम टॉर्चर। जब से इसने तुम्हें पहली बार बैंगलोर में बस में देखा तब से ये गया काम से। बैंगलोर में बस में मुझे देखा था? पता है चारू, तुम्हारी वजह से इंटरव्यू मिस किया इसने। तुम्हें नानी माँ के घर छोड़कर लौटते वक्त ये रो रहा था, समझा समझा कर हम थक गए। शिवा तुम्हें बेहद चाहता है, हमने जब कहा अपनी मन की बात बता दो तो कहता है कि उसकी जरूरत नहीं, वो खुद ही इजहार करेगी। हर रोज हजारों बार तुम्हारा नाम लेता रहता था। बात ये कि ये लोग बस ऐसे ही, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस मजाक कर रहे हैं। शिवा अब कुछ मत कहना।